कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि लीजन भी हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, वो तब तक वेट करते हैं जब तक कि कैंसर का पहला स्टेज नहीं आ जाएगा। मतलब नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज हम बात करेंगे कि ओरल कैंसर। कैंसर का नाम सुनते ही हमारे तन बदन में बिल्कुल अजीब सी सिहरन होती है। मतलब लगता है कि अब क्या है ये, ज़िंदगी ख़त्म यहीं से। मतलब नाम सुनते ही अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है, वहीं पे आप बिल्कुल भी परेशान हो जाएंगे, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल हाइपरटेंशन हो जाएगा और इतना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि लगेगा कि अब क्या करें, आँखों के सामने अंधेरा तक छा जाता है और बिल्कुल परेशान रहते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि मुंह के अंदर अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो कैंसर है या नहीं, या फिर इसका साइंस सिम्टम्स क्या होता है, इसका कारण क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। क्योंकि देखिए, कैंसर का नाम सुनते ही परेशान नहीं होना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिनको ज़रूरत होगी उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि कैंसर क्या होता है। तो कैंसर जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं दिक्कत है, बस आपके जो बॉडी की सेल्स हैं, बॉडी का जो आर्गन है, हमारी जो बॉडी है, जो ये शरीर होता है, ये एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बना होता है और कोशिकाओं का बनना और कोशिकाओं का टूटना एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। लेकिन जब कभी कोशिकाएं जो टूट रही हैं वो कम टूट रही हैं और बनना जो है वो अनइवेंशनली फॉर्म में हो गया है, अनकंट्रोल फॉर्मेशन होने लगा है, तो फिर वो कैंसर हो जाता है। मतलब जैसे कि उंगली का एक शेप है, अगर ये उंगली पे यहाँ कहीं कट वट गया, घाव हो गया और ये शेप अगर यहाँ पे मांस आ रहा है, थोड़ा सा इसमें और एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई, अजीब सा दिखने लगा दिखने में, मतलब कोई इसका शेप नहीं, कोई साइज नहीं, तो उसको आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कैंसर हो गया है। कैंसर मुंह के अंदर किसी भी प्रकार के कहीं पे भी रेडनेस हो रहा है, वहाँ ब्लड से रिसाव हो रहा है, तो हो सकता है कि वहाँ पे कैंसर हो। कभी जीभ के ऊपर आप देखेंगे दांत शार्प से कट गया है, शार्प दांत है उससे कट गया है और वहाँ पे वो बार बार कट रहा है और वहाँ पे लालपन बढ़ता जा रहा है और पेन बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है वो कैंसर हो। या फिर कभी ऐसा होता है कि मुंह के अंदर कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ है और जब कभी वो दबता है तो दर्द करता है या उसमें ब्लड का रिसाव होता है, तो हो सकता है कि वो कैंसर हो। कैंसर आपके मुंह के अंदर छाले भी अगर 2 से 2.5 महीने हो गया है, वो छाला ठीक नहीं हो रहा है, तो हो सकता है वो कैंसर हो। मैं कन्फर्म नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि वो कैंसर हो। इसलिए अपने मुँह के किसी भी साइड किसी भी चीज़ों को देख करके घबराइए नहीं, पैनिक मत होइए, सिर्फ अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए और देखिए कि वो क्या बताते हैं, क्योंकि उनका ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। मुंह के अंदर किसी भी साइड को सबसे पहले ये 4 बातों का ध्यान रखिएगा कि मुंह के अंदर अगर कोई पैचेस हो रहा है तो नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए और उनको बताइए कि ये कितने दिन से है, सही सही टाइम ड्यूरेशन बताइए, ये होता क्यों है, इनका कारण क्यों होता है। इनके 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला होता है कि अगर तंबाकू, गुटखा, सिगरेट का सेवन पेशेंट ज़्यादा कर रहा है तो आपके मुंह में अलग अलग टाइप के, अलग अलग फॉर्म के लीजन पाए जाएंगे। वो लीजन आने वाले समय में 10 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में कैंसर में परिवर्तित हो सकते हैं। दूसरा कारण होता है कि मुंह के अंदर किसी भी प्रकार का दांत आपका शार्प हो गया है और वो धीरे धीरे करके किसी जगह पर बार बार इरिटेट कर रहा है, इम्पिंच कर रहा है, घाव बना रहा है, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है कि वहाँ पे कैंसर हो। तीसरा कारण होता है कि अगर जेनेटिक्स है, अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर है, तो हो सकता है कि कैंसरस सेल्स जीन टू जीन ट्रांसफ़र करके आपके बॉडी में भी आ सकते हैं। इनका ट्रीटमेंट क्या होता है? इनका ट्रीटमेंट होता है कि आपको सबसे पहले तो उस साइट एक्सीजन करके और उसके बाद फिर वहाँ पे कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से वहाँ की कैंसरस सेल को जलाया जाएगा। इसकी सर्जरी करना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर कैंसर लिम्फ नोड या बाकी चीज़ों में फैल जाता है। और लेकिन अगर आपका प्री कैंसरस लीजन या प्री कैंसरस कंडीशन है, तो उस कंडीशन तक पेशेंट अगर अवेयर हो गया तो अपने आप को बचाया जा सकता है। और पेशेंट 87% पेशेंट अगर अवेयर रहते हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल सिक्योर कर लेते हैं, बिल्कुल भी कैंसर होने ही नहीं देते हैं। लेकिन
कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि लीजन भी हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, वो तब तक वेट करते हैं जब तक कि कैंसर का पहला स्टेज नहीं आ जाएगा। मतलब मुंह के अंदर पेन होने लगेगा, ब्लड का रिसाव होने लगेगा या इन्फेक्शन होने लगेगा, तब जा कर के वो अपना परेशान होंगे, घबराएंगे। इसलिए यहाँ तक नहीं पहुँचना है, आपको स्टार्टिंग में ही देख लेना है कि क्या प्रॉब्लम है और इसको सलूशन कैसे है अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिल करके। अगर आप हमको अपना प्रॉब्लम बताना चाहते हैं तो नीचे नंबर चल रहा है, इस पर आप व्हाट्सअप करके हमको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं या अपने ओरल का चेकअप करा सकते हैं। अगर हमारे यहाँ आके करवाना चाहते हैं तो मैं अपना एड्रेस भी आपको दे रखा हूँ और वहाँ पे भी आप आकर के हमारे क्लिनिक पे, वाराणसी में मेरा क्लिनिक है, वहाँ पे आके हमसे बात कर सकते हैं, फेस टू फेस हमसे मिल सकते हैं।